लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों का ऑनलाइन क्लास का जो बैच चल रहा था उसका कल टेस्ट हुआ था और आज हम लोग उसी टेस्ट पर डिस्कशन करने के लिए यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आपको 60 सवाल पूछा गया था और 60 सवालों का सही आंसर क्या है इसकी हम लोग बात करेंगे। आपके पास पेपर है तो आप पेपर को देखते हुए सवाल को मिलाने का प्रयास करिए, लेकिन ऐसे लोग जिनके पास पेपर नहीं है वो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके निःशुल्क पेपर को ले सकते हैं और हमारे सवाल से हमारे डिस्कशन से अपने सवालों को मिला सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल को। पहला सवाल इसमें आपसे पूछा था हमने, राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? चार विकल्प है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तू और गार्नर। क्या बताएंगे ना, राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तू है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी है, और राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तू है। अरस्तू को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र विषय का दर्जा प्रदान किया था। प्लेटो को राजनीति विज्ञान का प्रारंभकर्ता कहा जाता है, लेकिन राजनीति विज्ञान का जनक नहीं कहा जाता। दूसरा सवाल है, पॉलिटिक्स को नामक पुस्तक का लेखक कौन है? प्लेटो, अरस्तू, सुकरात और लास्की। हमें उम्मीद है कि आसान सा सवाल है और आपने लगाया होगा। इसका सही आंसर कौटिल्य। कौटिल्य पॉलिटिक्स का लेखक है। ये सवाल आपने अगर लगाया है तो ये सवाल एकदम गलत है। पॉलिटिक्स का लेखक कौटिल्य नहीं है, पॉलिटिक्स का लेखक प्लेटो भी नहीं है। और पॉलिटिक्स का लेखक कौन है? ये यूनानी चिंतक अरस्तू। अरस्तू के द्वारा इसके अलावा भी एथेंस का संविधान नामक पुस्तक का लेखन किया गया। तीसरा सवाल आपको दिया गया है कि राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है अरस्तू ने, परंतु राजनीति विज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग किया है आधुनिक काल में विलियम गॉडविन ने। अरस्तू के द्वारा राजनीति विज्ञान को सर्वोत्तम विज्ञान भी कहा गया। चौथा सवाल आया है, किसने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक किया? अभी हम लोगों ने पहले सवाल के डिस्क्रिप्शन में बात किया था कि यह बात किसने किया है, अरस्तू। अर्थात चौथे का सही उत्तर क्या होगा? अरस्तू। पांचवा सवाल है, राजनीति विज्ञान को सर्वोत्तम विज्ञान की संज्ञा प्रदान करने वाला विद्वान कौन है? गार्नर, शेले, लेकाक और अरस्तू। क्या लगाएंगे इसमें? सर्वोत्तम विज्ञान कहा अरस्तू ने, और अरस्तू ने इसी आधार पर आगमनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करता है, और आगमनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते हुए तुलनात्मक, पर्यवेक्षणात्मक और ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का भी अपने विचार दर्शन के प्रतिपादन में प्रयोग करता है। अगला सवाल है कि प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक का दूसरा नाम किससे संबंधित है? प्लेटो का ग्रंथ रिपब्लिक को कंसर्निंग ऑफ जस्टिस कहते हैं, अर्थात इसका दोहरा शीर्षक क्या है? न्याय से संबंधित है। इसलिए सातवें प्रश्न का सही उत्तर ये होगा, और यह है न्याय। आठवां सवाल आपको पूछा गया कि प्लेटो ने राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन किया है? सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत, दैवी सिद्धांत या सावयविक सिद्धांत। देखिए, ये कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल है। सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत राज्य को कृत्रिम मानता है, मानव निर्मित मानता है। यूनान में सोफिस्टों के द्वारा राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का पहली बार प्रतिपादन किया गया था। आधुनिक काल में रिचर्ड हुकर ने इसका प्रतिपादन किया। हार्स ला क्रूसो के द्वारा इसका क्रमबद्ध और व्यवस्थित प्रतिपादन किया गया। इसलिए प्लेटो सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत से संबंधित नहीं होगा। विकासवादी सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत का अर्थ है कि राज्य स्वाभाविक रूप में विकास का परिणाम है। यह बात प्लेटो के संदर्भ में सही है, क्योंकि प्लेटो का एक प्रसिद्ध कथन है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। जिस प्रकार से व्यक्ति में तीन गुण पाए जाते हैं, ना बुद्धि का, साहस का और तृष्णा का, उसी के समानांतर समाज में भी
तीन वर्ग पाए जाते हैं, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। इन्हीं तीनों वर्गों से राज्य का निर्माण होता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? विकासवादी सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि दैवी सिद्धांत मूलतः मध्यकाल में अस्तित्व में आया था। इसके अन्य विचारक हैं। सावैविक सिद्धांत की बात आंशिक रूप से सही हो सकती थी, लेकिन सावैविक सिद्धांत का संबंध राज्य की प्रकृति से है, न कि राज्य की उत्पत्ति से। इसलिए आठवें सवाल का सही उत्तर 8 का B होगा, विकासवादी सिद्धांत, न कि इसका सावैविक सिद्धांत होगा। 9वां सवाल है, प्लेटो का पुत्र होने की अपेक्षा निकट का संबंधी होना अधिक उत्तम है, यह कथन किससे संबंधित है? यह कथन अरस्तु से संबंधित है, और अरस्तु का यह कथन मूलतः प्लेटो के द्वारा प्रतिपादित संपत्ति और परिवार के साम्यवाद का जो प्रतिपादन किया था, उसमें परिवार के साम्यवाद की आलोचना पर आधारित है। परिवार की आलोचना करते हुए अरस्तु के द्वारा कहा गया कि परिवार एक उपयोगी संस्था है, जबकि प्लेटो ने कहा था कि परिवार एक घातक संस्था है। शासक और सैनिक वर्ग के पास न तो अपना निजी घर बार होगा और न ही कोई ऐसा परिवार होगा। अरस्तु ने इसी की आलोचना किया, इसलिए आपका 9वें सवाल का उत्तर सही क्या है? सी, और उसका उत्तर है अरस्तु। 10वां हम लोगों का सवाल है, प्लेटो के आदर्श राज्य में कौन से 3 प्रमुख वर्ग हैं? आपने पढ़ा होगा कि इसमें 3 प्रमुख कौन हैं? शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। शासक बुद्धि का प्रतीक है, सैनिक साहस का प्रतीक है, और उत्पादक तृष्णा का प्रतीक है। इसी के समानांतर अरस्तु के द्वारा भी राज्य में कितने वर्गों की बात की गई, आपको सवाल आएगा, क्या याद कर लेना है। अरस्तु के द्वारा राज्य में 6 वर्गों की बात की गई, और मध्यकाल में मार्सिलियो के द्वारा भी राज्य में 6 वर्गों की बात की गई। चलिए अब हम लोगों का आता है 11वां नंबर का सवाल, और 11वें सवाल में आपसे पूछा गया रिपब्लिक में प्लेटो के द्वारा किस शासन को सर्वश्रेष्ठ माना गया। एकदम आसान सा सवाल है, और इसका उत्तर क्या होगा? दार्शनिक राजा का शासन ए, अर्थात इसका उत्तर क्या है? ए। 12वां सवाल है, स्टेट्समैन का लेखक कौन है? स्टेट्समैन का लेखक प्लेटो है। प्लेटो के द्वारा रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लास्ट 3 महत्वपूर्ण पुस्तकों का लेखन किया गया। रिपब्लिक के संदर्भ में रूसो का प्रसिद्ध कथन है कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का नहीं बल्कि शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया श्रेष्ठ ग्रंथ है। स्टेट्समैन के अंतर्गत ही प्लेटो के द्वारा शासन का वर्गीकरण, सरकार के वर्गीकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, और उसका आधार बताया गया था विधि सम्मत शासन और विधि विहीन शासन। अब आइए 13वें पर। 13वें में क्या है? प्लेटो के अनुसार मानव में कौन सा गुण पाया जाता है? आपने इसको पढ़ लिया कि मनुष्य में 3 गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर 13वें का क्या होगा? डी, अर्थात उपरोक्त सभी गुण। 14वें में है, प्लेटो के अनुसार राज्य क्या है? व्यक्ति का विराट रूप है, एक वर्गीय संस्था है, मनुष्य द्वारा निर्मित समुदाय है, आवश्यक बुराई है। ना, यह व्यक्ति का विराट रूप है। यह सवाल कई बार आपके एग्जाम में आया, और हम लोगों ने अपने टेस्ट में इसको दिया, आपने सही शायद लगाया भी होगा। राज्य एक वर्गीय संस्था है, यह कथन है कार्ल मार्क्स का। राज्य मनुष्य द्वारा निर्मित समुदाय है, यह कथन है उदारवादियों का। और राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन भी है उदारवादियों का। बेसिकली स्पेंसर के द्वारा यह कथन कहा गया। अगला है 15वां सवाल है, और 15वें सवाल में आपसे पूछा गया कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत पर सर्वाधिक प्रभाव किस शिक्षा का है? एथेंस का है, स्पार्टा का है, सिराक्यूज की शिक्षा का है, या सुकरात की? आपको सही उत्तर है स्पार्टा की शिक्षा का, क्योंकि स्पार्टा की शिक्षा राज्य के हित पर आधारित थी और आदर्शवादी दृष्टिकोण पर आधारित थी, इसलिए प्लेटो के द्वारा राज्य के हितों के अनुरूप स्पार्टा की शिक्षा से अधिक प्रभावित हुआ था, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? 15वें का B। 16वें नंबर में आपको आया है, कौन सा राजनीतिक विचारक है
जिसने पशु जगत से सर्वाधिक उदाहरण को अपने सिद्धांत में प्रयोग किया, अरस्तु के द्वारा, प्लेटो के द्वारा, ग्रीन के द्वारा या सुकरात के द्वारा। पशु जगत के सर्वाधिक उदाहरण का प्रयोग प्लेटो के द्वारा किया गया, जिसमें उसने कुत्ता और कुतिया का प्रयोग किया था। इसका प्रयोग करने का मूल कारण था कि पुरुष और स्त्री के बीच में समानता करना। उसने बताया था जिस प्रकार से राज्य की सुरक्षा का दायित्व, आप परिवार की सुरक्षा का दायित्व कुत्ता के साथ साथ कुतिया भी कर सकती है, वैसे ही शासन और प्रशासन का कार्य पुरुष के साथ साथ स्त्रियां भी कर सकती हैं। इसलिए पशु जगत के सर्वाधिक उदाहरण किसने दिए? प्लेटो ने दिया। हमारा सही उत्तर 16वीं का क्या हो गया? बी। 17 है, न्याय मन की प्रवृत्ति है। यह कथन प्लेटो ने अपने किस सिद्धांत से के अंतर्गत दिया है? उत्तर है न्याय के वर्गीकरण के सिद्धांत से। इन्होंने कहा जिस प्रकार से व्यक्ति होता है, व्यक्ति में 3 गुण होते हैं, बुद्धि का नियंत्रण साहस और तृष्णा पर होना आवश्यक है, वैसे ही बुद्ध का प्रतिनिधि करने वाला वर्ग शासक वर्ग है और उसका नियंत्रण भी सैनिक और उत्पादक वर्ग पर होना आवश्यक है। इसलिए 17 का सही उत्तर क्या होगा? ए। 18 नंबर का सवाल है, ज्ञान की संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया? ऑस्टिन लास्की, प्लेटो और हॉब्स। आप क्या लगाएंगे? प्लेटो, क्योंकि इसने बुद्ध के शासन का समर्थन किया और दार्शनिक राजा के सिद्धांत का, फिलासफर किंग के सिद्धांत का यह पहला प्रतिपादक है। यह पहला ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर शैले के द्वारा एक टिप्पणी की गई कि प्लेटो पहला और अंतिम व्यक्ति है जिसने इस बात का समर्थन किया कि शासन का कार्य सर्वाधिक धनवान व्यक्ति के द्वारा या सर्वाधिक चालाक व्यक्ति के द्वारा न किया जाकर सर्वाधिक बुद्धिमान के द्वारा किया जाना चाहिए। अगर आपको ये स्टेटमेंट भी आता है तो आप समझते रहें कि इस स्टेटमेंट को कहने वाला कौन है। प्लेटो के संदर्भ में कहा गया, लेकिन कहा है किसने? शैले ने। अगला है, प्रत्येक वस्तु का ध्येय पूर्णता को प्राप्त करना है। यह कथन किसका है? अरस्तु का, प्लेटो का, हेगल का या हॉब्स का? यह कथन है प्लेटो का। प्लेटो का मंतव्य था पहली बार कि प्रत्येक वस्तु निम्न स्तर से उठ करके उच्च स्तर को प्राप्त करती है, इसलिए इसको आप पूर्णता का सिद्धांत कहते हैं। बाद में इस सिद्धांत का अनुसरण अरस्तु के द्वारा भी किया गया, इसलिए 19 का सही उत्तर है बी, अर्थात प्लेटो। बुद्ध के शासन का सिद्धांत किसने दिया? 20 का बी, प्लेटो। 21 नंबर के सवाल में हम लोग आते हैं और सवाल है, साम्यवाद, आदर्शवाद और फासीवाद के तीनों तत्व एक साथ किसके विचार में दिखलाई पड़ता है? प्लेटो का। आदर्शवाद का अर्थ है राज्य की सर्वोच्चता का सम्मान करना, प्लेटो में ऐसा है, इसीलिए इसने कहा कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। दूसरा, साम्यवाद में आपने देखा होगा कि प्लेटो के द्वारा कहा गया स्त्रियों का साम्यवाद और संपत्ति का साम्यवाद, इसलिए साम्यवाद से भी संबंधित है। फासीवाद की जहाँ तक बात है, इसने समस्त प्रकार की सत्ता दार्शनिक राजा में केंद्रित कर दिया, इसीलिए कुछ आलोचकों के द्वारा इसको पहला फासीवाद का प्रवक्ता कहा गया। विशेष करके कार्ल पॉपर ने अपनी एक किताब लिखा जिसका नाम था ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमीज, और उस पुस्तक के अंतर्गत प्लेटो के द्वारा कहा गया कि इस पुस्तक में कार्ल पॉपर ने प्लेटो के संदर्भ में कहा कि प्लेटो फासीवाद का पहला प्रवक्ता है, इसलिए ये तीनों एक साथ पाए जाते हैं किसमें? प्लेटो में। 21 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? बी। 22वां सवाल है, प्लेटो और राज्य में न्याय की स्थापना हेतु किन सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है? साम्यवाद का, शिक्षा सिद्धांत का, दोनों का? आप क्या लगाएंगे? दोनों का। शिक्षा सिद्धांत को उसने सकारात्मक माना और साम्यवाद के सिद्धांत को नकारात्मक माना, इसलिए 22 का उत्तर होगा सी। प्लेटो से पहले स्त्री साम्यवाद का प्रतिपादन किसने किया था? पाइथागोरस, सिफाइलस, यूरिपाइडीस या सभी ने? आपका उत्तर क्या होगा? यूरिपाइडीस। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को किन दो भागों में किस आधार पर विभाजित किया था? आयु और वर्ग के आधार पर, माने किस आयु से किस आयु तक लोगों को शिक्षा ग्रहण करना है, इसको उसने पाठ्यक्रम के अनुसार दो भागों में बांटा, एक प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा के अंतर्गत
प्लेटो के द्वारा गणित को सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय माना गया था, इसीलिए उसने अपने अकेडमी के प्रवेश द्वार पर इस बात को लिख रखा था कि जिस व्यक्ति को ज्यामिति या गणित का ज्ञान न हो मेरी अकेडमी में प्रवेश न ले। इसलिए आपका 24वें प्रश्न का सही उत्तर बी है, आयु और वर्ग। धातुओं के आधार पर राज्य का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है, आपको ये सवाल पूछा गया। तो धातुओं के आधार पर राज्य का वर्गीकरण किसने किया है, प्लेटो ने। स्वर्ण को इसने शासक वर्ग कहा, तांबे को इसने सैनिक वर्ग कहा और लोहे को इसने उत्पादक वर्ग के नाम से संबोधित किया। इसलिए 25वें का सही उत्तर प्लेटो है। एथेंस की शिक्षा प्रणाली पर किस विचारधारा का प्रभाव है, परिवार के द्वारा संचालित होती थी, इसलिए धनवान व्यक्ति का बालक पढ़ने में अधिक समर्थ था, निर्धन वर्ग के बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, इसलिए एथेंस की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली पर पूंजीवाद या व्यक्तिवाद का प्रभाव है। 26 नंबर का इस सवाल का सही उत्तर होगा ए। एथेंस की शिक्षा प्रणाली किसके द्वारा संचालित थी, उत्तर होगा बी, परिवार के द्वारा। 28वां सवाल है, एथेंस की शिक्षा में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया था, सैन्य शिक्षा पर, कला पर, साहित्य पर, दर्शन पर, क्या लगाएंगे, यह बी है, साहित्य पर। जबकि स्पार्टा की शिक्षा में सर्वाधिक बल दिया गया था सैनिक शिक्षा पर। 28 का बी। 29 नंबर का सवाल है, राज ओक के वृक्ष या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि उसका उद्गम स्थल और उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के आचरण से होता है, तो यह सवाल का सही उत्तर है बी, अर्थात प्लेटो। प्लेटो के द्वारा इस बात को कहा गया कि व्यक्ति जैसा होता है उसी के अनुरूप राज्य का भी निर्माण हो जाता है, बुद्धि के आधार पर शासक का, साहस के आधार पर सैनिक का और तृष्णा या वासना के आधार पर उत्पादक का। इसलिए यह कथन 29 का और सही उत्तर है बी। अगला है, प्लेटो ने स्वर्ण तत्व को किस वर्ग का प्रतीक बतलाया, प्लेटो के द्वारा स्वर्ण वर्ग को शासक वर्ग बतलाया गया, तांबे को सैनिक वर्ग और उत्पादक को लोहा वर्ग। 30 का सही उत्तर होगा बी, शासक वर्ग। अब हम लोगों का सवाल है प्लेटो के द्वारा प्रतिपादित न्याय के सिद्धांत का उद्देश्य क्या था, प्लेटो के द्वारा न्याय के सिद्धांत के प्रतिपादन का उद्देश्य था राजनीतिक अस्थिरता को खत्म करना। इसलिए इसका सही उत्तर ये है, राजनीतिक अस्थिरता का मूल कारण प्लेटो के द्वारा देखा गया कि एक व्यक्ति के द्वारा जो अयोग्य है दूसरे व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप करता है, इसलिए न्याय की परिभाषा उसने कार्य विशेषीकरण और अहस्तक्षेपवाद के आधार पर दिया था। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा ए, 31 का ए। 32 का है, प्लेटो ने अपनी शिक्षा प्रणाली में सर्वाधिक बल किस विषय पर दिया, उत्तर है गणित। आप जैसा जानते हैं कि उच्च शिक्षा के अंतर्गत आप प्लेटो के द्वारा इस बात को कहा गया कि जिसको गणित का ज्ञान न हो वह व्यक्ति मेरी अकेडमी में प्रवेश न ले। अब आइए हम लोग बात करते हैं इसमें जिस सवाल का, वो है 33 नंबर का सवाल। 33वें में है, प्लेटो ने अपने अध्ययन में गणित विषय को प्रमुख स्थान क्यों दिया था, अंक के आधार पर सैनिक चक्रव्यूह की रचना करने हेतु या गणित के अध्ययन के दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। 33वें का सही उत्तर है दोनों के लिए इसने दिया था, इसलिए 33 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर सी, अर्थात दोनों है। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत के द्वारा आधुनिक राजनीति विज्ञान में कौन सा सिद्धांत दिया, शक्ति पृथककरण का सिद्धांत दिया, माने शासक वर्ग केवल शासन करे, सैनिक वर्ग केवल सुरक्षा करे और उत्पादक वर्ग खाली उत्पादन करे। आधुनिक काल में शक्ति पृथककरण के सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ता फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू है, जिसने अपनी एक पुस्तक लिखा जिसका नाम द स्पिरिट ऑफ लॉज है, और उस पुस्तक के अंतर्गत मॉन्टेस्क्यू के द्वारा शक्ति पृथककरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। लेकिन इसका चिन्ह, इसका बीज हम प्लेटो में देखते हैं। यद्यपि मॉन्टेस्क्यू ने जैसा प्रतिपादन किया था प्लेटो में ऐसा कुछ भी नहीं था,
लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि यह एक प्रकार से चिन्हांकित कर दिया था, क्योंकि मॉन्टेस्क्यू के द्वारा कहा गया है सरकार के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अपने अपने कार्य क्षेत्र में काम करें और किसी भी अन्य अंग के कार्य क्षेत्र में कोई अंग हस्तक्षेप न करें। इसलिए शक्ति पृथक्करण माने 34 का सही उत्तर क्या होगा, ए। 35 का है, प्लेटो का साम्यवाद आधुनिक साम्यवाद से अलग है ना, क्योंकि प्लेटो का साम्यवाद अर्ध साम्यवाद है। अर्ध साम्यवाद का मतलब यह है कि यह केवल शासक और सैनिक वर्ग पर ही लागू होता है, जबकि कार्ल मार्क्स का साम्यवाद सारे समाज पर एक साथ लागू होता है। प्लेटो का पूर्ण साम्यवाद का समर्थन करता है, यह कथन गलत है। प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य राजनीतिक है, एकदम सही है, और मार्क्स के साम्यवाद का उद्देश्य आर्थिक है, आप ये भी जानते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, सी। इसका सही उत्तर सॉरी डी होगा, ए और सी दोनों सत्य हैं। 36 नंबर का सवाल है, प्लेटो के साम्यवाद और समाज के संबंध में बहुत कहे जाने के बावजूद भी वस्तुतः इस ग्रंथ में न तो समाजवाद है न ही साम्यवाद, यह कथन है किसका, टेलर के द्वारा यह टिप्पणी किया गया था। प्लेटो के रूप में सुकरात पुनः जीवित हो उठा, 36 नंबर का सही उत्तर ए होगा। 37 नंबर का सवाल है, आप प्लेटो के रूप में सुकरात पुनः जीवित हो उठा, यह कथन किसका है, मैक्सी का, क्योंकि प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक परिदृश्य और दर्शन के ऊपर सुकरात का अमित प्रभाव पड़ा है। एक प्रकार से सुकरात को ही प्लेटो ने पूर्ण रूप से कॉपी कर लिया, और चाहे उसकी निगमनात्मक अध्ययन प्रणाली हो, चाहे बुद्ध का शासन हो या संवाद शैली हो या दार्शनिक राजा का शासन हो, सारा कुछ प्लेटो के द्वारा सुकरात से ग्रहण किया गया था। इसी बात को देख करके मैक्सी ने कहा कि प्लेटो के रूप में सुकरात पुनः जीवित हो उठा, इसलिए आपको इसका सही उत्तर होगा 37 नंबर के सवाल का बी, मैक्सी। प्लेटो के सभी ग्रंथ संवाद शैली में हैं, इसे इसने किससे ग्रहण किया है, सुकरात से। संवाद का अर्थ होता है बातचीत करना, वार्तालाप करना, बातचीत और वार्तालाप डायलॉग के माध्यम से प्लेटो का उद्देश्य था तत्कालीन यूनान में प्रचलित अज्ञानता और अशिक्षा को खत्म करना, क्योंकि यूनान का एक प्रकार से अंतर्द्वंद था। अंतर्द्वंद यह था कि यूनान का व्यक्ति अज्ञानी था लेकिन अपने आप को ज्ञानी मानने का ढोंग रचता था, इसलिए प्लेटो के द्वारा संवाद शैली का प्रयोग किया गया, और यह संवाद शैली इसने ग्रहण किया था सुकरात से। इसलिए 38 का सही उत्तर होगा ए, सुकरात। आगमनात्मक पद्धति को अपनाया किसने, आगमनात्मक पद्धति को अपनाया है प्लेटो ने, अरस्तु ने, सुकरात ने या सभी ने, क्या लगाएंगे, अरस्तु ने। यह एक महत्वपूर्ण कारण भी है जिसके आधार पर अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आगमनात्मक पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है, और आगमनात्मक पद्धति में प्रयोग पहले होता है, निष्कर्ष बाद में निकाला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि यह वह पद्धति है जिसमें हम विशेष से सामान्य की तरफ चलते हैं, जबकि निगमनात्मक अध्ययन पद्धति वह पद्धति है जिसमें हम सामान्य से विशेष की तरफ चलते हैं, अर्थात निष्कर्ष पहले निकाल लिया जाता है और प्रयोग बाद में होता है। अगला है, इसलिए 39 का सही उत्तर है बी, अर्थात अरस्तु। 40 नंबर में पितृसत्तात्मक सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया, पितृसत्तात्मक सिद्धांत का राज्य की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक सिद्धांत का पहली बार समर्थन किया है अरस्तु ने, जबकि आधुनिक काल में इस सिद्धांत का प्रतिपादक है सर हेनरी मेन ने। सर हेनरी मेन के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसलिए 41 का क्या होगा, 41 का होगा अरस्तु, अर्थात डी। 42 नंबर का सवाल है, अरस्तु ने कितने देशों के संविधानों का अध्ययन किया था, अरस्तु के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन और सरकार का वर्गीकरण करते हुए तथा क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादन करने से पूर्व ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत 158 नगर राज्य के संविधानों का अध्ययन किया, और उसके बाद इसने सरकार का वर्गीकरण और क्रांति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला है, इसलिए 42 का सही आंसर क्या है, सी, 158।
आज 43 नंबर का सवाल है, विधि के शासन का सर्वप्रथम सिद्धांत किसने दिया। विधि के शासन का सर्वप्रथम सिद्धांत दिया है अरस्तु ने। इसी को कहते हैं कानून का शासन या शासन तंत्र को पॉलिटी को अरस्तु ने श्रेष्ठ माना, जिसमें मध्यम वर्ग का शासन पाया जाता है। आधुनिक काल में विधि के शासन के सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ता ब्रिटेन के विधि शास्त्री प्रोफेसर डायसी हैं, इसलिए इसका सही अंतर क्या होगा 43 का, बी अर्थात अरस्तु। अगला है राज्य एक स्वाभाविक संगठन है, राज्य एक प्राकृतिक संगठन है। सबसे पहले परिवार आया, अरस्तु ने राज्य को परिवार को राज्य की इकाई माना और कहा कि परिवार से ग्राम का और ग्राम से अंततः राज्य का विकास स्वाभाविक रूप में हो जाता है। कहा कि पुरुष और स्त्री के द्वारा विवाह, विवाह से संतान, संतान की सेवा के लिए दास, दास मिलकर के परिवार और परिवार से कई ग्राम और कई ग्रामों को मिलने से राज्य का अंततः विकास स्वाभाविक रूप में होता है। इसलिए राज्य एक स्वाभाविक संगठन है, यह बात किसने कहा है अरस्तु ने, अर्थात 44वें का सही उत्तर होगा डी। 45 नंबर का सवाल है और आपको सवाल पूछा गया संपत्ति गृहस्थी का एक भाग है, इसका सही उत्तर है डी। डी माने अरस्तु, संपत्ति को इन्होंने गृहस्थी का भाग माना। अरस्तु का यह कथन प्लेटो के द्वारा प्रतिपादित संपत्ति के साम्यवाद का खंडन करता है। अगला सवाल 46वें, 45 नंबर के सवाल का सही उत्तर है अरस्तु अर्थात डी। 46वां नंबर का सवाल है अरस्तु ने किस दासता का विरोध किया। आपको बात मालूम है अरस्तु दासता का तार्किक और दार्शनिक व्याख्याकार है। आप प्लेटो के द्वारा दासता को मौन स्वीकृति प्रदान की गई थी, लेकिन अरस्तु ने उसको तर्क के आधार पर सत्यापित किया और अरस्तु ने कहा कि कुछ लोग जन्म से स्वामी और अनेक लोग दास होते हैं, लेकिन अरस्तु के द्वारा प्राकृतिक दासता का केवल समर्थन किया गया था, विधिक दासता का विरोध किया गया था। इसका लिए इसका सही उत्तर क्या होगा बी। विधिक दासता का अर्थ है जब एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण करके वहाँ के नागरिकों को बंदी बना लेता है तो उनको दास बनाना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उनमें बौद्धिकता की कमी नहीं पाई जाती। इसी आधार पर मानवीय आधार पर अरस्तु के द्वारा विधिक दासता का कड़ा विरोध किया गया था। तो 46 का सही आंसर है बी अर्थात विधिक। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन के सिद्धांत का को लागू करने वाला विचारक कौन है, यह विचारक है अरस्तु। अरस्तु के द्वारा कहा गया कि राज्य के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का निर्माण किया जाए ताकि राज्य के संसाधनों के द्वारा वहाँ के नागरिकों का भरण पोषण आसानी से किया जा सके। अरस्तु इसी आधार पर यह भी कहता है कि भद्दे अंगों वाली या अंगहीन संतान का भरण पोषण राज्य के द्वारा न किया जाए, अर्थात उसे मार देना चाहिए, यह इसका अमानवीय विचार कहलाता है। इसलिए 47 का सही उत्तर है डी अर्थात अरस्तु। अरस्तु के अनुसार क्या है, राज्य इच्छा द्वारा निर्मित है, राज्य कृत्रिम है, राज्य एक दैवी संस्था है, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। आपने पढ़ा है कि अरस्तु ने कहा कि राज्य एक स्वाभाविक या प्राकृतिक संगठन है, इसलिए 48 का सही आंसर है डी। अगला है जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते या राजा में दर्शन की भावना नहीं आ जाती, यूनानी नगर राज की बुराइयों का अंत नहीं होगा, यह कथन किसका है। इसका सही उत्तर है प्लेटो। प्लेटो ने अपने इस कथन के माध्यम से दार्शनिक राजा के शासन को तार्किकता प्रदान किया था। 50 का, इसलिए 49 का सही उत्तर है बी अर्थात प्लेटो। 50 का, राजनीति विज्ञान का जन्म कहाँ हुआ। राजनीति विज्ञान का जन्म आप लोग जानते हैं प्रारंभ कहाँ है, प्लेटो के द्वारा, जबकि उसका पिता है कौन, अरस्तु। प्लेटो कहाँ का है, यूनान का, इसलिए यूनान आप लगाएंगे। आधुनिक राजनीति विज्ञान का जन्म कहाँ हुआ, आपको ये सवाल आ जाए तो क्या लगाएंगे, इटली। और आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता है कौन, आपको अगर ये सवाल आ गया तो क्या लगाएंगे, मैं क्या बोले। अगला है राज्य एक जीवधारी के समान है, इसलिए 50 का सही उत्तर है डी यूनान।
और 51 नंबर पर आपको सवाल पूछा गया कि राज्य एक जीवधारी के समान है, यह कथन किसका है? जीवधारी के समान है, यह कथन स्पेंसर का है। राज्य एक जीवधारी है, यह कथन अरस्तु का है। दोनों में आप अंतर समझे रहिएगा। अनेक बार आपको सवाल पूछा जाता है और ये कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि अरस्तु का कथन तो सर्वाधिक प्रसिद्ध है कि राज्य एक जीवधारी संगठन है, लेकिन स्पेंसर का कथन ना कम लोगों को मालूम रहता है और सवाल गलत हो जाता है। इसलिए जहाँ समान आ जाएगा वहाँ स्पेंसर होगा, जहाँ जीवधारी है केवल आएगा वहाँ पर इसका उत्तर अरस्तु होगा। इसलिए 51 का सही उत्तर है सी, स्पेंसर। 52 नंबर सवाल पर आते हैं। आज समाज शास्त्री तथ्यों पर आधारित राज्य उत्पत्ति विषयक परिवार सिद्धांत का सर्वप्रथम पक्षधर कौन है? सर्वप्रथम इसका पक्षधर प्लेटो है, क्योंकि इनके द्वारा मातृसत्तात्मक सिद्धांत का समर्थन पहली बार किया गया था। आपको आएगा कि राज्य की उत्पत्ति के समाजशास्त्रीय आधार पर, समाज के आधार पर, परिवार के आधार पर व्याख्या करने वाला पहला चिंतक कौन है? यह पहला चिंतक प्लेटो है, क्योंकि प्लेटो के द्वारा सर्वप्रथम मातृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, अरस्तु के द्वारा पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। आधुनिक काल में मातृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक मार्गन और जेंक्स हैं। इसलिए आपने एकदम सही उत्तर लगा लिया। सही उत्तर ये लगा लिया कि इसका सही उत्तर है 52 का ए, प्लेटो। अनेक परिवारों के संयुक्त को गांव कहा जाता है, यह कथन किसका है? बी, अरस्तु। इसमें आपको साफ है कि इस, अगर आपको यह सवाल आ जाए कि इस कथन में अरस्तु क्या बतलाना चाहता है, अरस्तु यह बतलाना चाहता है कि परिवार राज्य की इकाई है। आपको दूसरा सवाल आता है कि परिवार को राज्य की इकाई अगर अरस्तु मानता है तो व्यक्ति को राज्य की इकाई किसने माना? प्लेटो। तो चलिए, 53 का सही उत्तर आपने लगा लिया बी, अरस्तु। अगला है, कौन पितृसत्तात्मक सिद्धांत का समर्थक नहीं है? उत्तर है, पितृसत्तात्मक सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन अरस्तु ने किया, बी, हेर्नेमेन ने आधुनिक काल में किया, सी, दुग्वी ने इसका समर्थन किया। 54 का सही उत्तर क्या होगा? डी, अर्थात सुकरात ने इसका समर्थन नहीं किया है। चलिए अब हम लोग 55 नंबर सवाल पर आते हैं। और 55 नंबर सवाल में आपको पूछा गया, राज्य एक प्राकृतिक संस्था है न कि मानव निर्मित, यह राज्य की उत्पत्ति के प्राकृतिक सिद्धांत का समर्थन कौन करता है? इसका समर्थक है अरस्तु। आपने इस बात को अपने पूर्व के सवाल में भी इसको कई बार लिखा है। और इसका सही उत्तर क्या होगा? अरस्तु। अरस्तु ने राज्य को एक स्वाभाविक और प्राकृतिक संस्था बताया जो अपने आप चलता रहता है। 55 का ए, अर्थात अरस्तु। 56 नंबर सवाल में आपको पूछा गया कि राज्य एक प्राकृतिक और स्वाभाविक संस्था है। इसका सही उत्तर सी, अर्थात अरस्तु। अगला सवाल 57, अरस्तु के अनुसार राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, या अरस्तु का यह कथन सही है? माने राज्य व्यक्ति से पहले आया है। इस कथन के द्वारा अरस्तु यह सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है कि राज्य एक सर्वोच्च संगठन है। दूसरा दिया, अरस्तु के अनुसार राज्य एक नैसर्गिक संस्था है। दोनों कंट्रास्ट है, लेकिन दोनों सही है, अर्थात इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसलिए 57 का सही उत्तर होगा बी, दोनों कथन सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। 57 के बाद 58 सवाल, 58 नंबर क्वेश्चन आता है, राजनीति विज्ञान किसकी शाखा है? सामाजिक विज्ञान की। इसलिए इसका सही उत्तर होगा सी। 59 का, राजनीति शास्त्र के पर्याय स्वरूप प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन है? पर्याय के रूप में इसका प्रयोग होने वाला शब्द ना डी, अर्थात सभी है। पॉलिटिक्स भी इसको कहते हैं, राज्य का विज्ञान भी कहा जाता है, राजनीति का विज्ञान भी कहते हैं। इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसमें आंसर दिया है। आप इसको क्या लगा लेंगे? ना डी। 60 में है, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था मूलतः किस
विचारधारा का मूल सिद्धांत है, कल्याणकारी सिद्धांत। इसलिए 60 का सही उत्तर होगा बी, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा यह संपूर्ण समाज के हित पर न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति पर कमजोर वर्गों के उत्थान पर आधारित है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, बी अर्थात कल्याणकारी सिद्धांत। तो देखिए हम लोगों के टेस्ट का ये डिस्कशन था, हमें उम्मीद है कि ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हुई होगा, खास करके सवालों को आप देख करके जो बातें हम लोगों ने डिस्कशन में किया इसका एक नोट्स बना लेना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसका नोट्स ज़रूर बना लें जो बातें हम लोगों ने आज डिस्कशन में किया, क्योंकि इससे संबंधित सवाल आपको ना ऐसा मुमकिन नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आपको किसी सवाल में कोई दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके हमको सूचित भी कर सकते हैं, हम पुनः उस पर आपके प्रश्नों का जवाब दे देंगे। और जिन लोगों के पास ये क्वेश्चन पेपर नहीं है, दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपने क्वेश्चन पेपर को निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं और अपने आंसर को देख करके सही लगा सकते हैं। चलिए हम लोगों का आज के टेस्ट पेपर का, ये टेस्ट एंड डिस्कशन का आज का क्लास यहाँ तक था। अगले टेस्ट पेपर में पुनः टेस्ट एंड डिस्कशन के लिए हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।